नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा का दादरी जिला एक बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है। जिला में कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला है। वहीं पूरे हरियाणा में अब केवल 854 केस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार चरखी दादरी में अब कोरोना का कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। जिले में कोरोना बीमारी से कुल 139 लोगों की मृत्यु हुई है। हरियाणा में कोरोना के कुल 7,69,383 केस मिले हैं, जिनमें से 7,58,958 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,571 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश में 40 केस सामने आए थे और 8 लोगों की मौत हुई। अभी एक्टिव केस 854 बचे हैं। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो 98.65% पर पहुंच चुकी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। बहुत दिनों से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4 व 6 वर्षीय कोर्सों में दाखिला लेने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं समय पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएगी, वहीं 5 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। CBSE बोर्ड ने COVID-19 को देखते हुए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को राहत देने का काम किया है। बोर्ड ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से CBSE बोर्ड से संबंधित कोई भी विद्यार्थी अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य घर बैठे हासिल कर सकेगा। बोर्ड ने यह पोर्टल डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम नाम दिया है। अगर किसी विद्यार्थी की मार्कशीट गुम होने या फट जाने पर वह इस पोर्टल की मदद से मार्कशीट और दूसरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर सकता है। इससे विद्यार्थी व उनके अभिभावक को फायदा होगा तो वहीं बोर्ड में भी भीड़ नहीं होगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 86 दिन बाद लगभग आज 16 जुलाई को खुल जाएंगे। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में बुलाया जाएगा। कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था 23 जुलाई 2021 से आरंभ होगी। 1ली से 5वीं कक्षाओं के स्कूलों के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। सर्वप्रथम उन्हीं बच्चों के स्कूल में एंट्री होगी जिनके अभिभावक सहमति पत्र देंगे। बता दें कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। भारतीय सेना के महिला पुलिस में भर्ती होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आगामी 20 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। महिला उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि महिला सेना पुलिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। इस भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य जन्मे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस भर्ती के लिए अम्बाला, लखनऊ, बेलगांव, पुणे एवं शिलोंग में रैलियां आयोजित की जाएंगी। बंडारू दत्तात्रेय ने ली हरियाणा के 18वें राज्यपाल की शपथ। बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के 18वें राज्यपाल की शपथ ले ली है। वे वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे और अब हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। हरियाणा राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चढ़ूनी किसान आंदोलन के माध्यम से केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़े लोगों ने भी मुख्य मुद्दों को छोड़कर अपना मकसद हासिल किया और केजरीवाल बन गए। और ठीक इसी प्रकार इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा दल मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने पहले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका तक पहुंची जजपा आत्मविश्वास और उत्साह से पूरी तरह से जहां लबरेज दिखाई दे रही है, वहीं पार्टी को चौधरी देवीलाल की किसान हितैषी छवि का भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इन दोनों दलों की गठबंधन सरकार प्रदेश में बहुत समन्वय और आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब हमेशा से उनके लिए एक परिवार की तरह रहा है, जिसके साथ हमारे बुजुर्गों का पुराना नाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल परिवार और देवलाल परिवार के संबंध जग जाहिर थे और आज भी ये संबंध अटूट हैं।
हरियाणा में सरकार ने नवविवाहित जोड़ों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल शादी के बाद कुछ लोग अपनी शादी का पंजीकरण कराने में देरी करते हैं या फिर करवाते ही नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए यह नई योजना लाई है। इसके मुताबिक अब 30 दिनों के अंदर यानी एक महीने के अंदर विवाह पंजीकरण करने वाले विवाहित जोड़े को सरकार की ओर से शगुन के तौर पर 1100 रुपए की राशि और एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। प्रत्येक विवाहित जोड़े को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध के आधार पर ब्रीडिंग चेकर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसके लिए मान्य होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/7/2021 तय की गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस रोजगार में चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। सभी उपयोगी जानकारियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा। इस रोजगार में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पात्र अध्यापकों द्वारा 13 अगस्त से 22 अगस्त 2021 तक अपने पसंद के विकल्प भरे जाएंगे। इसके बाद 23 अगस्त से 31 अगस्त तक अध्यापकों को स्कूलों के प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया के बाद इसी अवधि में अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों व स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने अपने अधीन अध्यापकों व स्कूलों का आज यानी 16 जुलाई से 29 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन डाटा अपडेट कर लें। उन्होंने बताया कि जिन अध्यापकों का किसी जोन में पॉलिसी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम ठहराव पूरा नहीं हुआ है और वे स्वेच्छा से इस ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ऐसे अध्यापक 30 जुलाई से 5 अगस्त 2021 तक भागीदारी कर सकते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी स्थानीय निकायों यानी पंचायत एवं नगरपालिका संस्थाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी रैलियों, सभाओं एवं प्रचार प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में शीघ्र ही पंचायती राज संस्थाओं और कुछ नगर पालिका संस्थाओं के आम चुनाव होने हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और निकट भविष्य में महामारी के कम होने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने धरने पर बैठे किसानों से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर किसानों को दो टूक जवाब दिया है। ग्रोवर ने कहा है कि अगर विरोध करने वालों के पास कोई सबूत है तो वह मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दें। वह कानून के तहत हर सजा भुगतने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। ग्रोवर ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं है, ये सत्ता हाथ से जाने वाले राजनीतिक लोग हैं। वहीं इसके साथ शहर के अंदर आंदोलनकारियों के पहुंचने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू, WHO का ऐलान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ ने बुधवार को देशों को चेतावनी दी है कि वे कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, देशों को इसके लिए निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। कई देशों ने दिखाया है कि वे इस वायरस को रोका जा सकता है। इधर भारत में भी इसका खतरा करीब दिखाई दे रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन 2021 के चौथे फेज की परीक्षा की तारीखों में संशोधन किया है। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक अब मई सेशन की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त और 1 व 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। एजेंसी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाना था। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैंडिडेट्स की लगातार मांग को देखते हुए और कैंडिडेट्स के बेहतर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को JEE मेन के तीसरे और चौथे फेज की परीक्षा के बीच 4 हफ्ते का गैप देने की सलाह दी गई है, जिसके बाद अब यह परीक्षा अगस्त व सितंबर में आयोजित की जाएगी।